हिंडनबर्ग की आंधी में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति ऐसे उड़ी कि वे अरबपति की टॉप 10 ही नहीं बल्कि टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। वहीं रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। एक साल से अधिक समय तक ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के टॉप 10 में अडानी अंबानी का दबदबा रहा, लेकिन अब ये दोनों बाहर हो चुके हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर महज 9 दिन में करीब 60% तक लुढ़क गए। अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत 29 जनवरी तक 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गई थी। हफ्ते भर की कीमत करीब 5,00,000 करोड़ गिरी है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत लगभग आधी रह गई है। उस समय 19,00,000 करोड़ रुपए थी, अब 9,00,000 करोड़ रुपए है। इसका असर उनके नेटवर्थ पर पड़ा। गौतम अडानी के पास अब केवल 63.3 अरब डॉलर की संपत्ति है। वो अब 21वें नंबर के अमीर है। इस साल उनकी संपत्ति दुनिया में सबसे तेजी से घटी है। इस साल अब तक उन्हें 61.6 अरब डॉलर की चोट लगी है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस साल अब तक 6.36 अरब डॉलर सेंध लगी है। अगर दोनों की संपत्ति में गिरावट की तुलना करें तो अडानी की संपत्ति अंबानी के मुकाबले इस साल करीब 10 गुना कम हुई है। अगर साल 2023 की बात करें तो एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इन तीनों की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बुरे दौर को पीछे छोड़ एलन मस्क इस साल अब तक कमाई में नंबर 1 है। उनकी संपत्ति 37.6 अरब डॉलर बढ़ी है।